दोस्तों, तो बहुत सारे बिगिनर्स को मैंने देखा है स्किन टोन को देने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज के वीडियो में मैं स्किन टोन के बारे में ही बात करूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को स्किन टोन के बारे में। और मैं आप लोगों को कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर, ए वाला आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स ए वाला वाटर कलर ही यूज़ करते हैं। तो इसी का यूज़ करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से स्किन टोन को यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, और वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो। दोस्तों, मैं आप लोगों को तीन स्किन टोन को बना के दिखाऊंगा। पहला वाला जो है लाइट स्किन टोन, उसके बाद है मीडियम स्किन टोन, उसके बाद है डार्क स्किन टोन। लाइट स्किन टोन को बनाने के लिए क्रिम्सन लेक, ऑकर येलो और ब्रांसना का यूज़ करूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन तीनों को मिक्स करके मैं लाइट शेडिंग को बनाऊँगा। इस तीन कलर को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के टाइम आप पानी का यूज़ ज़्यादा करें और कलर का यूज़ कम। आप लोग जानते हैं दोस्तों, वाटर कलर में वाटर का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा अभी। इसी तरीके से दोस्तों, तीन कलर का यूज़ करके आप लोग लाइट स्किन टोन को बना सकते हैं। सेम कलर का यूज़ करके दोस्तों, मैं मीडियम स्किन टोन को भी दूंगा, लेकिन दोस्तों कलर का यूज़ मैं इस पर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि डार्क पोर्शन है, थोड़ा सा मीडियम टोन है, तो इसलिए मैं कलर का यूज़ ज़्यादा करूँगा और थोड़ा सा डार्क बनाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सेम कलर का यूज़ करके मीडियम टोन को बनाया है, लेकिन पहले से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और डार्क है। और इसी तरीके से आप मीडियम टोन को भी बना सकते हैं इजीली। तो डार्क स्किन टोन को देने के लिए मैं एक्स्ट्रा दो कलर का यूज़ करूँगा, पर्शियन ब्लू और ब्लैक। दोस्तों, इस पांच कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लेकिन ब्लू और ब्लैक का यूज़ कितना यूज़ करना है उसको समझना होगा। स्किन टोन जितना ज़्यादा डार्क होगा उतना आप मिक्स करेंगे ब्लू और ब्लैक, और लाइट टोन में थोड़ा सा कम यूज़ करना है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरीके से स्किन टोन को बनाना है। यहाँ पर मैंने दिखाया है तीन बेसिक टोन को। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बेसिक जो टोन होता है बिगिनर्स के लिए वो मैंने दिखाया है। आप लोग जब भी एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे तो पोर्ट्रेट में बहुत सारे कलर का यूज़ होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके। तो चलिए देखते हैं इसको, और किस तरीके से इसका लाइट और शेड देना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं बैकग्राउंड को कलर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्किन टोन को देंगे। और स्किन टोन को देने से पहले आप लोग जानते हैं कि पेज को अच्छे तरीके से भिगोना पड़ता है। बैकग्राउंड को भी मैं अच्छे तरीके से भिगो के उसके बाद कलर का अप्लाई कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बोल दूँ, जब भी आप कलर का अप्लाई करते हैं, मतलब कि स्किन टोन को अप्लाई करते हैं, तब बहुत ही ज़्यादा लाइट करके दीजिए टोन को, उसके बाद लेयर बाय लेयर आप लोगों को डार्क करते जाना है धीरे धीरे। फर्स्ट लेयर थोड़ा सा सूख जाने के बाद मैं फिर से एक लेयर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और मैं थोड़ा सा डार्क कलर का यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने बताया है मिडिल टोन को। Thank you.
दोस्तों डिटेलिंग के टाइम पे आप जितना हो सके पतली ब्रश का यूज़ कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं आँखों को देने के लिए छोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा स्किन टोन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो सब लोगों को आसानी से मिलते रहे।